आवाज कहाँ से आई? यहाँ से आवाज आई अभी। फिश भी आवाज निकालती है? देखो ना, ये तो डॉग की तरह बोली। डॉग की तरह ही बोली। अरे है? पानी में रहता डॉगी? वो बड़ी तेज एकदम आवाज आई, बहुत तेज। ये वाली फिश बोली क्या? और ये अलग ही तरह की है। मैं सिर्फ घूमना नहीं, घुमाना चाहता हूँ। ये नज़ारे देखना नहीं, दिखाना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम डल लेक के बिल्कुल किनारे पे, हम वही रात को यहीं सोए थे, बड़ा मज़ा आया। और सुबह के 7 बजे का टाइम हो गया, हमें उम्मीद थी भाई सनराइज होगा, मतलब नज़र आएगा, सनराइज तो हो चुका, पर फोग बहुत ज़्यादा है, एकदम कोहरा कोहरा हो रखा चारों तरफ। और देखिए आप क्या नज़ारा है, और हम भाई किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं अपने ट्रिप को। इस पल को ना हम इसलिए होटल नहीं लेते भाई, जो हम डल लेक के ऊपर ही बिल्कुल जो मेन रोड है इस पे यहीं पे सोए हैं रात को, और सुबह उठते ही बिल्कुल यहाँ पे सामने ये हाउस बोट वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो हाउस बोट यहीं से देखने में बड़ा अच्छा लगता है, और बड़ा बहुत बढ़िया व्यू, मतलब जो एक हम एक्साइटमेंट होता है ना कि आएंगे डल लेक पे और देखेंगे सुबह क्या माहौल है, और पूरे दिन भाई यहाँ पे पब्लिक तो है नहीं, टूरिस्ट बहुत कम है। तो अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, आपको एक घाट दिखाते हैं। मैं कहाँ पे जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे इसी घाट के पास होटल लेता हूँ, और अब की बार इसी घाट के पास मैंने गाड़ी पार्क की है। घाट दिखा एक बार सर, आप दिखा दीजिए। तो जो मेरे जानने वाले ना वो सबको पता है ये जो इस घाट पे मैं क्यों रुकता हूँ, 10A लिखा है इस पे, उसका रीजन क्या जानने वाले सब जानते हैं जी। आप भी जब सब्सक्राइब करोगे तो आप भी जान जाओगे। यहाँ से चल रहे हैं जी हम कश्मीर से अपने घर के लिए, अभी हम जा रहे हैं जम्मू, देखते हैं कहाँ कहाँ घूमेंगे। और गाड़ी चली अभी 1949, देख लो भाई 2000 किलोमीटर चल चुकी है अभी गाड़ी भाई हमारी। ये ट्रिप पड़ेगी लगभग 3000 किलोमीटर की जो हम ड्राइव करेंगे पूरा। आज हमारा 9th डे भाई, 9 दिन हो गए घूमते घूमते, आज यहाँ से अब वापसी की शुरुआत कर रहे हैं। अब जाएंगे घर, अब 2 दिन लगेंगे या 3 दिन लगेंगे, वैसे उम्मीद है 2 दिन लगेंगे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जय माता दी, जय माता। और गाड़ी का हाल देख लो, पीछे क्या कर दिया, कल ही साफ की थी, फिर दोबारा ऐसी होगी। ये तो ट्रिप के मजे हैं, ऐसी हो जाती भाई, मजे लो वो भाई। और आगे फोग हो रखी बिल्कुल, और टाइम क्या हो गया 8:30 के करीब। विजिबिलिटी एकदम कम है भाई, और आगे देखो भाई सुबह सुबह ना ये आर्मी CRPF है यहाँ पे, और जगह जगह वो सिक्योरिटी के लिए ऐसे ये टैंक टाइप के चले जा रहे हैं, ये जो ट्रक है जो भी बोलते हैं भाई इनको, और वो डोगी को लेके घूम रहे हैं भाई जगह जगह, कहीं खेतों में घुस रहे हैं, कहीं कहीं नहीं। अभी नज़र नहीं आ रही सारी चीज़ें, नज़र आएगी तो दिखाएंगे। खैर ज़्यादा चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए सिक्योरिटी रीजन से, पर थोड़ा थोड़ा दिखा देंगे। देखो आगे भी एक ये जा रहा भाई, ऐसी लाइन लगी हुई है, ये देखो एक लेफ्ट में खड़ा है वो। ये देखो इस तरह के भाई, तो अब से लाइन लगी है दूर से दूर तक, और कोई वहां वो खड़े हैं भाई CRPF वाले, कोई राइट में खड़ा है, कोई लेफ्ट में खड़ा है, कोई नीचे खेतों में खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है भाई, ज्यादा ही वो है। यहाँ की ना वो सारी चीजें आपकी इस वाले ट्रिप में नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हम स्टे नहीं कर रहे हैं भाई होटल वगैरह में। आप ये कहोगे भाई दिखाया क्या इसमें, वो सारी चीजें ना कि स्टे कहाँ करना चाहिए, बेटर कहाँ पे, कौन सा अच्छे बजट में सारे होटल या विजिट कहाँ कहाँ करें, वो मैं जून में आया था, वो सारे वीडियो है भाई, आप देखना चाहो तो मेरे चैनल पे ही। और दूसरा अगर आप उसमें, हाँ मैं आऊंगा दिसंबर में जनवरी में भाई, फ्लाइट से आएंगे, ये सोनमर्ग गुलमर्ग सारा विजिट करेंगे अच्छी तरह। यहाँ गंडोला राइड होती है, वो रोपवे पे जाते हैं, वो बिल्कुल टॉप पे, वो कई 2-3 स्टेप उसको सब कुछ भाई देखेंगे, ढंग से देखेंगे, दिखाएंगे, मजे करेंगे और कराएंगे। पर इस टाइम पे वहाँ स्नो नहीं है ना, वो सारी एक्टिविटी करने में मजा भी नहीं आता अगर हम करते भी तो। यार हमने करनी भी नहीं थी वो, क्योंकि सोचा हुआ दिसंबर एंड में जनवरी स्टार्टिंग में जब अच्छी स्नो हो जाएगी ना पूरी, डल लेक जब पूरी जम जाएगी तब आएंगे भाई इसके ऊपर स्केटिंग वगैरह करके देखेंगे कैसी क्या होती भाई। ये कहते हैं इसके ऊपर क्रिकेट खेलते हैं सब, और यहाँ सब जो मतलब एक कहते हैं ना पूरा बर्फ जम जाती है यहाँ पे पूरी लेक एकदम वो बन जाती है। ये की खासी आज तक ठीक नहीं, देख लो डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा कोई रास्ते में कहाँ है, कमेंट करके बता दो। यहाँ पर ये टनल है भाई बहुत बढ़िया, मतलब काफी रास्ता छोटा हो जाता है, बनिहाल टनल देखो, ओहो कितनी अच्छी लाइट लगा रखी है। अच्छा अलग अलग है इधर आने का उधर जाने का, ये ठीक है।
से इस तरफ आते हैं भाई 17 डिग्री हो गया, अब 15 हो गया, और ये टेम्परेचर हमने अब 9 दिनों के बाद देखा है, नहीं तो हम थे माइनस में या 8, 9, 10 ये चल रहा था। अब आके ऐसा लग रहा था एकदम आँख ऐसी अजीब सी होगी, टनल के उस तरफ कुछ और था, इस तरफ उधर तो फोग भी ज्यादा थी, इधर खुला खुला सा सब कुछ दूर दूर तक नजर आ रहा है, तो गर्मी में आ गया मैं अचानक। अभी ना ये रास्ता बड़ा बोर करता है, बड़ा बेकार सा रास्ता है, और मोड़ तोड़ इतने ना इतने टर्न है, बड़ा परेशान करता है। अब जब तक ये हाईवे नहीं बनेगा ना पूरा, देखो लेफ्ट साइड में पूरा चल रहा है भाई, और पहाड़ देखो पूरा काट काट के पहाड़ों को हाईवे बन रहा है बढ़िया भाई। हो सकता है बारिश में तो जो मनाली में होता है ना वही सिचुएशन हो जाए इसके बाद, पर चलो हाईवे तो बन जाएगा बढ़िया, और टनल वगैरह बन रही है बहुत सारी, अभी दिखाते हैं वो जब प्रॉपर हो जाएंगे ना तब आएगा मुझे। अभी तो देखो ये कितना बड़े बड़े पत्थर पड़े, पूरा पहाड़ का पहाड़ आके नीचे गिरा है। देखो ये नहीं टनल जो काम चल रहा है, बहुत सारी टनल है भाई यहाँ पे, ये लिखा है इस पे टनल नंबर 2, और 1 किधर गई हमने तो देखी नहीं। यहाँ पे ये दिक्कत है देखो, ये पहाड़ पूरा टूट गया भाई, नीचे आ गया सब कुछ मलबा उलबा, और कंजेस्टेड सा है सारा, देखो कितने धीरे धीरे चल रहे हैं, आगे भी वो ऐसे ही हो रखा है। पता नहीं हाईवे बनाया नहीं या ये टूट गया दोबारा पहाड़, है ना विनोद, देखो कितना बुरा हाल हो रखा है। ऐसे में बहुत सारे मतलब पैच आएंगे बीच बीच में, गाड़ी चलेगी 10 की स्पीड पे। यहाँ पे भी देख लो भाई ये डोगी लेके घूम रहे हैं, और वो डिटेक्ट करने का भी कितनी दूर आ गए वहां से हम। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ मैं मनाली वाला रूट जो है ना उसी से क्यों आता हूँ और क्यों जाता हूँ, मतलब ऐसा मतलब पॉसिबल हो तो। आपको पता है आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो वहाँ का भाई वो बारलाचा और वहाँ तांगलंगला जो पास है वहाँ पे स्नोफॉल हो गई, तो इस वजह से इधर से मैं बिल्कुल नहीं आता, इधर से मतलब ही नहीं, बिल्कुल बोर कर देता भाई रास्ता ना। अब देख लो हम 30-40 की स्पीड पे चल रहे हैं, कभी बिल्कुल ही रुक रहे हैं, ट्रैफिक जैम है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, ये पूरा ना आज कितना 11:15 हो चुके हैं, और कितने 8-8:30 बजे चले थे वहाँ से डल लेक के, बिल्कुल वहाँ से आपने देखा ही शुरू से, अरे अब यहाँ पहुँचे हैं जस्ट, कितना चले हम 100-150 किलोमीटर चले जब से, क्या करें भाई। तो इसलिए भाई आप भी आते हो तो आप ये देख लेना, सिर्फ कश्मीर जाना है स्पेशली तो वो तो एक अलग ही बात है, नहीं तो वो वाला रूट ही बेस्ट है अभी फिलहाल तो, जब तक ये टनल और ये हाईवे नहीं बन जाता, क्योंकि आगे क्या धुआं ही धुआं हो रहा है, एकदम धूल ही धूल। मैं जून में आया था ये मशीन तब भी यहीं पे थी, और आज भी यहीं है देखो भाई, किसी ने कुछ किया ही नहीं, ऐसा पहाड़ पूरा टूट के इसके ऊपर आया था, काम कर रही होगी भाई कुछ ना कुछ, मतलब काम चल रहा होगा यहाँ पे, वो देखो कितना ऊपर तक। और हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, हम एक दूसरी टनल के अंदर है, कुछ चिनानी करके कोई टनल है ये, और भाई आप देखो टेम्परेचर 25 डिग्री, वह बिल्कुल गर्मी हो गई अंदर, 25 हद हो गई, और गाड़ी हमारी 2100 किलोमीटर चलने वाली है, वाह 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 जय माता दी 2100। मैं देखते देखते 29 हो गया, मैं तो 25 देखा था, 29 डिग्री हो गया, और जब हम टनल के अंदर एंटर कर रहे थे तब था 20 या 21 ऐसा कुछ था, और भाई 29 नहीं नहीं ये टनल के अंदर गर्मी हो जाती है, वो पोल्यूशन की वजह से ना, अब देखो 32 हो गया, निकलते में दिखाऊंगा एकदम डाउन आ जाएगा, 20 के आसपास आ जाएगा, वहां से निकल के देखो 22 पे आ गया भाई टेम्परेचर, कितनी ज्यादा गर्मी थी अंदर आप देख सकते हो। अब की बार हम इस मेन हाईवे से नहीं जा रहे, लास्ट टाइम गए थे थोड़ा 60 या 70 किलोमीटर ज्यादा है, अब की बार ये यहाँ से हम आए उधमपुर से, और डायरेक्ट ये कट है, ये गाड़ी खड़ी, हम यहाँ से जाएंगे भाई, ये आप नेट पे देख लेना या पता कर लेना, हम तो पता करके आए, कहते हैं शॉर्टकट है, और यहाँ पे वो भी नहीं है ज़्यादा हाईवे, ओहो रन मतलब वहाँ पे वो हाईवे बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है,
तो उसके लिए वो यहाँ से ज्यादा बेटर है। वैसे भी वहाँ पे चल रहा हो ना चल रहा हो, वहाँ पे भीड़ भड़ाका ज्यादा होता है, खुला खुला है और छोटा भी है। हम इस वाले रोड से जा रहे हैं, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है भाई यहाँ, और गाड़ी की हालत आप देख लो कैसी हो रखी है। हम जा रहे थे जैसे कि आपको पता था भाई घर की तरफ, हमने शॉर्टकट लिया था वहाँ से जो कि जम्मू का, वहाँ से 60-70 किलोमीटर बता रहे वो लंबा था भाई। रास्ते के बारे में मैं अभी निकल के बताऊँ, वो रास्ता उतना अच्छा नहीं है, रात के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जहाँ हम पहुँचे भाई, हमें मैं पहले आया था यहाँ 2020 में या 2021 में आया था, लॉकडाउन के आसपास कब आया था अभी एग्जैक्ट याद नहीं। मानसर लेक है भाई, मानसर लेक आ चुके हैं। रास्ते में पड़ी तो ये कि भाई विजिट कर लेनी चाहिए, बहुत अच्छी लेक है। और कितनी बड़ी लेक है देखो, दूर तक पीछे पहाड़ और बहुत बढ़िया भाई सुंदर, और वेदर तो हो ही रखा है बहुत अच्छा। हाँ लोग थोड़ी वो, हम नहाए नहीं है, नौ दिनों में एक दिन ही नहाए थे, तो वही ऐसे ही फेस हो रखा है, उसका कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। आपको पता कितनी ठंड से -10-15 के आसपास से वेदर था, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। लेक के बारे में बताते देखो कितना वहाँ से वहाँ पे और दूर से दूर, यहाँ पे क्या है देखो, पेड़ उड़ भी लगे बीच में क्या चीज़ है, और यहाँ पे फिशेज दिखाते कितनी ज़्यादा है भाई फिश, और कितनी मोटी मोटी भाई, इतनी फिश मोटी फिश तो शायद मैंने पहली बार ही देखी, और इतनी इतनी ज़्यादा। अभी खाना लेके आए हम, तो खाना खिलाएंगे तो अब देखना आप। और ये जो मानसर लेक है अपने उस रोड से शायद अभी यहाँ पे पता किया मैं एग्जैक्ट पता नहीं है, 25 किलोमीटर के आसपास है मेन रोड से, जो जम्मू वाला जो रोड है। और अपने उधमपुर से आए हैं, वहाँ से हमने नोट नहीं किया, आप आए तो भाई एक बार विजिट जरूर करना वहाँ से मेन रोड, क्योंकि 20-30 किलोमीटर भी होगा तो इतना कोई वो नहीं है। आप आएँ, एक डेढ़ घंटा लगेगा, आके विजिट करके जाएँ, और यहाँ पर रहने वहने की वो भी है फैसिलिटी, वो भी बताएंगे कैसे क्या है या नहीं है, वो भी अभी देख के बताते हैं। बाकी फिशेज दिखा देते हैं आपको, अभी खाना खिलाएंगे तो आप देखना गौर से, वो कितनी मोटी मोटी फिश है भाई, कमाल है। अब खिलाएंगे और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी मतलब कितनी होगी, हज़ारों में है, और एक साथ ही कितने एकदम यहाँ तक। और हम यहाँ पे खड़े हैं फ्लोटिंग टाइप का, क्या बोलते हैं भाई इसको, ये दिखाना जी यहाँ पे, ये पूरा इन्होंने बीच में लगाया हुआ है, वहाँ से आने का रास्ता है, और ये यहाँ पे ये फ्लोटिंग का जो भी इसके ऊपर भाई बोलते हैं, लेक के ऊपर खड़े हैं मैं एग्जैक्ट, पानी है नीचे और हम ऊपर खड़े हैं, ये हिल रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ भाई फिश आ जाओ भाई, खाना खिलाएं, ज़्यादा पास ना जाएँ कहीं। ये देखो येलो कलर की है, ये देखो आई, ले भाई ले, तू खाई अलग ही है कुछ, ऊपर ही आएगी क्या, लो भी लो 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 भाई, ये ज़्यादा खाती है आटे से भी ज़्यादा, लो रो देखो कितने सारी आ गई, थोड़ा दूर फेंकता हूँ, ये लड़ रही है भाई आपस में, फाइटिंग चल रही है इनकी, ये तो खिला दे भैया, लो जी लो खाओ खाओ, पेट भर के लो, आटा भी है और कुछ तो मैंने खिला दिया। थोड़े हमारे कैमरामैन थोड़ा ऐसे हैं, बीच में कैमरा बंद हो गया था। लो जी विनोद पास से दिखा, लो जी लो देखो देखो देखो, सारी कट्टी डाल दे, सारी डाल दी, कट्टी डाल दे, सारी आएगी यहीं, डाल 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 डाल, वो पानी आ रहा है यहाँ तक भाई, लड़ाई हो गई इनकी आपस में फाइटिंग। अरे सर रुको भाई, फाइटिंग हो गई आपस में इनकी तो, कि कौन ज़्यादा खाए ना भाई, पन्नी लेके चलेंगे साथ में, कहीं पन्नी तो नहीं खाएगी खरी, इधर दे दो, लो जी पोलोथिन लो आप, धन्यवाद आपका। ये यहाँ पर रूम है ये सारे देखो जी, J&K टूरिज्म, और मैंने पता कर लिया वहाँ पे रिसेप्शन है, वो इनका रेस्टोरेंट टाइप का है, वहाँ सिटिंग फैसिलिटी अंदर भी है, और ये सारी चीज़ें, और बहुत बड़ा पार्क है जी इधर भी है, और वहाँ तक मेन गेट तक जो एंट्री है इनकी वहाँ तक है, काफ़ी बड़ा पार्क है भाई, बच्चों के साथ आए, फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड के साथ आओ, बड़ा बढ़िया मतलब व्यू बहुत अच्छा है, और एकदम शांति टाइप का है। अभी तो काफ़ी पब्लिक है, शाम के टाइम तो एकदम शांति हो जाएगी यहाँ पे भाई, उम्मीद यही है। आप बच्चों के साथ आओगे तो भाई बढ़िया, वहाँ पे स्विंग्स वगैरह भी है, और फिश देख के तो भाई सभी खुश हो जाएंगे, बच्चे तो स्पेशली आप फैमिली के साथ आते हो तो। दूसरी बात, अब इस पे आते हैं रूम्स, ये 1300 से 1650 रुपये के रूम बता रहे हैं, मतलब 1700 मैक्सिमम एसी वाले, ज़्यादा भाई महंगे तो नहीं, अच्छी बात है भाई आप इधर आओ, और ज़्यादा अंदर भी नहीं है मेन रोड से, आप आते हैं इधर वैष्णो देवी की तरफ आते हैं या और भी कहीं जाते हैं पटनी टॉप वगैरह किसी भी इस रूट पर आप आ रहे हैं, तो भाई आप एक बार विजिट जरूर करना,
आप मतलब मैंने लेक तो बहुत सारी देखी, इतनी बड़ी लेक भाई काफी दिनों में देखने को मिली, अभी याद नहीं इतनी बड़ी लेक मैंने कहाँ देखी थी भाई, मैं काफी घूमता रहता हूँ आपको पता ही है। फिर पर ये लेक भाई कुछ यूनिक ही है एकदम, पार्क वगैरह सब कुछ, गार्डन एकदम, और रेस्टोरेंट है, होटल है, आप वहाँ से आएंगे तो एक दिन का यहाँ स्टे करें और अपना मॉर्निंग का व्यू देख के और आगे अपना कंटिन्यू करें सफर को, बहुत बढ़िया रहेगा भाई। मैं सारी चीज़ें वही सजेस्ट करता हूँ जो मुझे पसंद आती है और जो भाई फैमिली को के लिए अच्छी हो। आवाज कहाँ से आई? यहाँ से आवाज आई अभी। फिर से भी आवाज निकालती है? देखो ना, ये तो डॉग की तरह बोली। हाँ, डॉग की तरह ही बोली। अरे विनोद, अच्छा जी, बाजी वाह, एकदम जैसे कोई डॉगी है क्या, अंदर छुपा बैठा है? हैं? पानी में रहता डॉगी? वो बड़ी तेज एकदम आवाज आई, बहुत तेज। ये वाली फिश बोली क्या? और ये अलग ही तरह की है, मिक्स कलर है, येलो भी थी इसमें अभी, वही कमाल है, डरा दिया एकदम, क्या आ गया। ये अपनी गाड़ी जी, और ये पार्किंग एरिया इनका पूरा, ये पूरा यहाँ क्रिकेट चल रहा है देख लो आप। ओ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ओ दूर गई, कोई बात नहीं। तो अब देखो पूरा स्पेस है भाई पार्किंग का, और ये टॉयलेट ब्लॉक, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह वो भी है अपना। हाँ जी बताइए सर। ओके सर, कर रहे हैं सर। तो भाई बड़ा मज़ा आया, एकदम फ्रेश फ्रेश से हो गए, और अभी चलते हैं, अभी सफ़र काफ़ी लंबा है, लगभग 600 किलोमीटर के आसपास अभी बचा है सफ़र, यानी एक दिन का और सफ़र है, चलते हैं। अभी तक तो भाई पूरा मज़ा आया है, आप लोगों का साथ है और बड़ों का साथ है और भगवान का साथ है, अभी तक आशीर्वाद है सबका, बढ़िया चल रहा है सफ़र और उम्मीद आगे भी बढ़िया चलेगा। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में या कल मिलेंगे, अब तो रात होगी जी, होने वाली है, अभी चलते हैं, थक गए हैं सुबह से थोड़ा सा, मतलब वैसे कि अब रिलैक्स मूड पे आते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा पार्किंग एरिया ढूंढेंगे, अभी पठानकोट की तरफ चलेंगे, वहाँ पे देखते हैं जो होगा स्पेस वगैरह, वो फिर आपको कल ही बताएंगे हमने कहाँ पे रात को रुके थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ड्राइव सेफ, पार्वती माता की जय।